दादा परदादा। उसके मरने के बाद ढोंगी बेटा ने किसानों को बर्बाद कर दिया। कोई गलत नहीं बोला ना मैंने? दादा ऊपर चला गया, परदादा ऊपर चला गया, लेकिन ढोंगी बेटा ने उसकी राजपाट उठा लिया और किसानों को बर्बाद कर दिया। दादा को पानी जांच करने आता था, कहीं पर हैंडपंप खोदवाए, कहीं पर बोर खोदवाए, सफल हुआ, अच्छा नाम कमाए, हजारों लोग उससे अपनी प्यास बुझा रहे हैं। दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके परदादा ने भी अच्छा काम किया, कुआं खोदवाया, पानी की समस्या को दूर किया, लेकिन दादा और परदादा के गुण ढोंगी बेटा में नहीं आया ही नहीं। और हम किसान लोग, अरे उस वो आदमी अमुक नाम का आदमी बहुत अच्छा पानी जांच करता है, उसके जांच के बहुत अच्छा है, दादा के नाम से परदादा के नाम से पूरा वंश चल गया पानी जांच करने वाले का, अरे वो बहुत अच्छा है, उनके घर में सबको आता हो, परदादा ने अपनी गुण दादा को दिया, दादा ने पोता को दे दिया, बेटा को दिया, पोता को दिया, सब अच्छा एक नाम कमा लिए। लेकिन सच्चाई यही है, बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है, दादा परदादा का गुण बेटा में नहीं आया। और उसके मरने के बाद लोभी बेटा, ढोंगी बेटा एक बीड़ा उठा लिया, मेरे दादा ये काम करते थे, मैं भी काम करता हूँ, लगा लिया चंदन चोहा, कोई भगवाधारी बन गया तो कोई हरा कपड़ा पहन लिया, दुनिया भर का ड्रेस बदल कर निकल पड़े पानी जांच करने के लिए। ओ मार्का, ओ ब्रांड जो परदादा ने और दादा ने अपने बना के रखा था, वही ब्रांड अपने लेबल अपने माथे पे लगा लिया और निकल पड़े हैं। ये कड़वी सच्चाई है। और हमें क्या हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, बर्बादी हो रहा है, उस ढोंगी बेटा से हमें बर्बादी हो रहा है, बर्बादी से कुछ नहीं मिल रही है। हम उस ब्रांड को देखकर, जैसे कि आज टाटा बिरला का जो ब्रांड है ना, नाम से चलता है, भले वो राख को भर कर चूना है कहकर बता दे, फिर भी हम लेते हैं आँख में, उसी तरह से ये दादा परदादा का वेशभूषा पहनकर ढोंगी निकल गया और क्या हो रहा है आज, उसकी कीमत, उसकी हजारों की फीस ये बेटा ले रहा है, ढोंगी बेटा ले रहा है, और नहीं आता फिर भी पैसा कमा रहे हैं। कहीं पैसे चला गया, तुक्का लग गई तो हो जाओ, उनकी वाहवाही करेंगे, बहुत बहुत वीडियो वायरल करेंगे, उसी को दिखाएंगे, देखो ये जांच किए थे कितना पानी निकल गया। और असल ज़िंदगी में 100 में से उनका 10 बोर भी सक्सेस नहीं है, लेकिन हम उसके पीछे मरे जा रहे हैं। और भाई कब तक मरेंगे, क्या किसान लोग मरते ही रहेंगे, मरने के लिए ही पैदा लिए हैं क्या? तो भैया आप लोग ये ढोंगी लोगों के चक्कर में मत पड़ो, दादा बढ़िया था शुक्रिया, परदादा बढ़िया था शुक्रिया, लेकिन ये ढोंगी भी नहीं आया गुण। ऐसा नहीं कि दादा ने जो गुण बेटा को दे, अपने बेटा को दिया, वो अपने बेटा को दिया, ऐसा नहीं होता है, ये नेचुरल गुण होती है, जिसके हाथ में मुट्ठी की उसी के हाथ मुट्ठी की, बाकी के हाथ में नहीं उठता भाई, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भाई आप लोग इस वीडियो को देखिए, और मैं इस वीडियो में आप लोगों को पत्थर और पानी दोनों की सिचुएशन बताऊंगा, और ये ढोंगी लोगों का भी मैं कहूंगा कि भाई आप लोग ऐसा काम मत करो। देखो यहाँ पर नारियल अपनी तरफ आ रही है, चर्चा तो करेंगे लेकिन आप नारियल में भी आप लोग नज़र रखिए, यहाँ पर पानी है देख लो। इसी तरह से आप लोग अपने खेत में चलिए, जब किसान भाई अपने खेत में जाते हैं तो थोड़े से एक मन में भाव रखे कि हम भी पानी जाँच करेंगे। ये नारियल वहाँ से हिलती हिलती आ रही, इसका कारण क्या है, इस खेत में नमी है, ड्राई नहीं है ये खेत, यहाँ अगर कुआं खोदोगे तो पानी मिलेगा, आराम से चलेगा। तो एक खेत जाए तो एक नारियल पकड़ ले, और जैसे कि हम खाली समय बैठते हैं ना, खाना खाने के लिए अपने काम निपटाने के बाद खाना खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, उस समय ये नारियल लेकर प्रैक्टिस करें। हर किसान को ये करना चाहिए ताकि हम खुद जानकार बन सके। और ये दादा परदादा के ने जो कुपुत्र छोड़ के गया है उनके पीछे नहीं दौड़ना है हमको, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है भाई, आत्मनिर्भर बनना है। तो देखो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, जब भी खेत जाए, हमारी माताएं भी जाती है खेत
तो अपनी धमेला में झउहा में एक नारियल को रख ले, क्या होगा भाई साहब। लोग भी खेत में जाते हैं तो अपने थैला में रख ले एक नारियल, और ऐसी देखे ये उस दिन प्रैक्टिस करोगे आप खुद जानकार बन जाओगे, इसका स्पेशलिस्ट बन जाओगे। आप खुद अपने खेत में पानी निकालोगे और दूसरे के खेत में भी पानी निकालोगे, बच्चा बच्चा जान जाएगा ये टेक्निक को, तो आपको करना है। और हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाई आजकल बहुत जगह ये देखने को मिल रहा है कि भाई उस व्यक्ति का जांच फैल हो गया है, उसका जांच फैल हो गया है, और असल ज़िंदगी में उनके जाओगे, उनके करियर में झांकोगे तो यही मिलता है, उन्होंने बिगड़ा उठाया है, उन्होंने बिगड़ा उठाया है, मेरे दादा किया, परदादा किया, तो चलो काम मैं भी कर लूँ, नकल किया है उन्होंने, और उस नकल में अकल नहीं लगा रहे हैं। भाई नकल करो ठीक है, लेकिन अकल की भी ज़रूरत होती है, उसके पास अकल नहीं है। चले गए चंदन चौवा लगा के और कहीं पर बता दिए यहाँ पर है गौटिया, यहाँ पर खुदाई कर लो, कोई बोल देंगे वहाँ पर है चंद्राकर जी, वहाँ पर खुदाई कर लो, सबको मूर्ख बना रहे हैं। 100 में से 10 लोगों का निकल गया तो वहाँ वही लूटेंगे भाई, लेकिन 90 लोगों का फैल हो गया ना। अगर एक किसान का 1 लाख रुपये जाता है तो 90 लाख रुपये तो चूना लगा दिया ना किसानों का। एक सीजन में चलो उन्होंने 100 बोर चेक किया, 10 पास हुआ, 90 फैल हो गई, मिनिमम 1 लाख रुपये अगर खर्चा निकालो तो 90 बोर का 90 लाख रुपये का चूना लगा लिया ना ढोंगी बेटा ने। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए और पानी जांच अच्छा से करवाइए, ब्रांड के पीछे मत जाइए। अगर वो ब्रांडेड आदमी है तो ठीक है, इसमें ब्रांड नहीं चलता कि वो उसका बाप ने किया तो उसके बाप ने किया तो उसका दादा पोता ने ऐसा कर देगा, पोती ऐसा कर देगा, ऐसा नहीं है, इसमें नहीं चलता वो सब। तो पहले उसको परख लेना कितने बोर उनके फाइल हुए हैं, कितने पास हुए हैं, उसको देख लेना। अगर पास का रिकार्ड है तो बढ़िया, अगर कोई फेल का रिकार्ड है ना तो छोड़ देना। इसका ट्रैक रिकार्ड तभी पता चलेगा जब वो ड्राई एरिया में जाएगा, जैसे कि पानी वाले एरिया में चला गया, कहीं किसी एरिया में 20 फीट में पानी निकाला, किसी 25 फीट में निकाला है, तो वहाँ कोई पता नहीं चलेगा, उसकी काबिलियत की पहचान वहाँ नहीं होगी, उसके हुनर कितना है उनकी कोई जांच परख वहाँ नहीं होना है। क्योंकि सोने की पहचान तभी बनती है जब उसको तपाओगे, जितना तपाओगे उतनी चमकती है, बिल्कुल उसी तरह से है। और जब तक ड्राई एरिया में जाके साबित ना कर दे कि यहाँ पानी निकली हुई है, तब तक आप मत मानना। अगर किसान लोग किसी भी पानी जांच करने वाले को बुलाते हो, 4-5 किसान मिल लेना और सबसे पहले उसको ड्राई एरिया में ले जाना, ड्राई एरिया में ही पहले बोर करवाना। ड्राई एरिया में अगर सक्सेस हो गया तो मान के चलना कि उसमें कुछ काबिलियत है, और ड्राई एरिया में फैल हो गई ना तो मान के चलना उसमें कोई काबिलियत नहीं है। इसलिए ये ढोंगी लोगों की पहचान करना है तो आप उसको ड्राई एरिया में ले जाओ, ड्राई एरिया में अगर निकल गया ना तो जान लो पानी पकड़ लेगा वो, और ड्राई एरिया में कोई फैल हो गया ना तो जान लो तुक्का मारने वाला है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा भाई। देखो हम नारियल के बारे में बता रहे हैं, पत्थर के बारे में, तो इस खेत में नारियल बाहर जाके नहीं गिर रही है, इसका मतलब ये है कि इस खेत में सॉफ्ट है, पत्थर कड़ा नहीं है, क्योंकि कड़ा पत्थर के ऊपर में पानी है। हाँ, अब ये बात आता है कि पत्थर कड़ा है, अगर हमारी अगर पहुँच अगर पहले कड़ा पत्थर से होता है, पानी नहीं है, तो ये नरम बताएगा, ऊपर में पानी है, यहाँ ऊपर हिस्सा में पानी है, यहाँ कुआं भी चलेगा। हाँ, एक चीज़ और है यार, कुआं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पानी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है इसलिए कुआं सक्सेस है यहाँ पर इस एरिया में, क्योंकि कुआं का एरिया ज़्यादा होता है तो उसमें पानी का झड़न भी ज़्यादा होता है, इसलिए सक्सेस हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम बोर ड्रिलिंग करेंगे ना तो मुश्किल से 2 HP का पानी नहीं चल पाएगा, लेकिन कुआं में 2 HP कौन का है, 3 HP का चल जाएगा, क्योंकि उसका एरिया बढ़ जाता है, और बोर ड्रिलिंग में क्या 4-6 अंगू का रहता है तो उसमें एरिया कम हो जाता है, तो यहाँ कुआं ज़्यादा सक्सेस है यहाँ इस खेत में। तो मैं किसान को सलाह दूंगा कि यहाँ आप कुआं खोदवा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, बोर के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि यहाँ स्पीड कम है पानी का, ऊपर पानी है झड़न पानी और ऊपर में पतली पानी बह रही है इसीलिए। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था, दादा का नाम परदादा का नाम ढोंगी बेटा ने बदनाम कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, तो ऐसे मत करो भाई। आपके जो दादा परदादा ने जो आपको आशीर्वाद देके गए हैं उनका सदुपयोग करो, अपने जीवन उपयोग करो, लेकिन धोखा मत दो। अगर आप में नहीं है गुण तो बिल्कुल घर से मत निकलो, दूसरे काम काज देख लो, नहीं तो किसान बर्बाद होगा। किसान को बर्बाद नहीं करना है भाई, आप में समझदारी होना चाहिए और आप में वो धारणा भी होना चाहिए
कि मैं किसानों को भला करूंगा, पहली सोच यही होना चाहिए। पैसा कमाना तो यार कोई भी कमा लेगा, कोई अपनी इज्जत बेच के कमाता है तो कोई मेहनत करके कमाता है, तरह तरह के पैसा कमाने के उसूल हैं। तो भाई पानी जांच करने के क्षेत्र में बिना ज्ञान के, अधूरे ज्ञान के किसानों का चूना मत लगाना। किसान लोग बहुत मेहनत से पैसा अर्जित करते हैं, किसान हमेशा नुकसान होते होते आते आए हैं, बर्बाद हुए हैं। तो भाई किसानों को बचाना है, किसानों का भला करना है। हाँ यार, मेरे पास कई किसान फोन लगाते हैं, भाई मेरे खेत में तो हर जगह हम नहीं जा सकते, लेकिन ये इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि भाई आप लोग बचिए और ये नारियल अपने खेत में खुद प्रैक्टिस करिए। किसी सौरी भाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी भी जांच करने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखना, आपका मेहनत है, आपका पैसा है, आप खुद अपने एक्सपेरिमेंट करके अपने खुद में बोर ड्रिलिंग करवाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें अच्छा पानी निकलेगा। चलो कहीं पर 3 HP का निकला, 2 HP, फिर भी उसमें संतुष्ट रहना, फिर प्रैक्टिस करना, उसे आज 2 HP का मिलेगा तो कल 3 का भी मिलेगा। लेकिन खुद ये करके देखना है भाई, किसी के भरोसे मत करना। दूसरे के भरोसे में, दूसरे के कंधे में हम बंदूक आकर गोली चलाएंगे तो कितने दिन तक चलाएंगे, इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट बनो। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही है। मेरा किसी के दादा परदादा को गाली देने का कोई शौक नहीं है, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, ना किसी उसके बेटे को भी गाली नहीं दे रहा हूँ। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो दादा परदादा के ब्रांड को लेकर घूम रहे हैं गली गली कि मैं भी पानी जांच करता हूँ कहकर, तो भाई आप करते ही नहीं जांच, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जांच करते हो तो बहुत बढ़िया है, तो ऐसा रिजल्ट अभी आना चाहिए। अगर आप में वो गुण आ गई है तो आपको सैल्यूट है, और नहीं आया तो भाई मैं आपको ढोंगी ही बोलूँगा और किसानों का गा बोलूँगा, इसको दोबारा मत बुलाना। तो भाई इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही है, हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। लेकिन हाँ, किसानों को आगाह करते रहेंगे भाई, हमें जो पानी जांच करने वाले गाली दे तो दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े हैं। हाँ, मेरा संपर्क नंबर है 7000716599। आप लोग मुझे शाम को, रात में 8 से 9 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं। भाई दिन में बिजी रहता हूँ, दिन में फ़ोन नहीं उठा पाता, तो इस गाली मत देना, लेकिन रात में जितना अधिक से अधिक लोगों का हो सके मैं फ़ोन उठाऊँगा। मेरे चैनल का नाम है किसान का बोर, आप यूट्यूब में जाइए, सर्च करिए किसान का बोर लिखिए, मेरा चैनल ऊपर भी निकलेगा। स्पेलिंग बता देता हूँ KISANKABORE, ये मेरे चैनल का नाम है भाई, आपको ऊपर में ही दिखाई देगा हमारा वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो और भी यूट्यूबर साथी का वीडियो है उसका देख लेना। हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जोहार।